आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के प्रमुख कारण क्या हैं, वो डायबिटीज़ क्यों होता है, और मैं आपको लक्षण तो बताऊंगा, साथ ही साथ वो कारण भी बताऊंगा कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ आपके शरीर में आता है। एक सिंपल शब्दों में उसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, हम समझेंगे कि होता क्यों है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक जो महामारी की तरह फैलती जा रही है, जिसे एक पेंडेमिक कहा जाता है, एंड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइप 2 के केसेस हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। चलिए अब समझते हैं कि वाकई में टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे आपकी डायबिटीज़ की जो लक्षण है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए हमने लिया फूड, भाई हमने यहाँ से फूड खाया, अब वो फूड डाइजेशन के लिए जाएगा, तो यहाँ से चला गया फूड डाइजेशन के लिए। अब डाइजेशन में जाने के बाद यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेकडाउन होता है, जिससे वो बन जाता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का काम करता है, ग्लूकोज जो है वो सेल्स, मसल्स और फैट के द्वारा स्टोर किया जाता है, वो तब स्टोर किया जाता है जब भी उनको जरूरत पड़े, तब वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। तो ये ग्लूकोज गया सेल के पास, सेल के दरवाजे होते हैं, सेल को उसने नॉक किया और सेल ने बोला ग्लूकोज है आ जाओ, तो ये सेल के अंदर चला जाता है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि आपका ये जो ग्लूकोज है उसे कैरी करता है इंसुलिन, और इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास। देखिए पैनक्रियास एक ग्लैंड है, इंसुलिन हार्मोन है। अब ग्लूकोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के द्वारा ही कैरी किया जा सकता है। अब ये समझ लीजिए कि आप के किसी घर में आप कुछ यू नो ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक कैरियर बॉय होता है, तो इंसुलिन को चलिए हम समझ लेते हैं कैरियर बॉय की तरह, कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज कैरी करके सेल्स के घर के दरवाजे सामने जाता है। तो ये हमने मान लिया कि भाई ये ग्लूकोज है जिसे इंसुलिन अपने पास कैरी करके रखा हुआ है। आप सेल्स ने देखा कि भाई इंसुलिन ने ग्लूकोज लाया है, उसने अपना दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये बात है कि कई बार होता क्या है कि आपका जो सेल है वो दरवाजा खोलता नहीं है, तो वहां आपको समझने की चीज है कि भाई आपका सेल के पास ये सेल हुआ, इंसुलिन आया और इंसुलिन ने नॉक किया, नॉक नॉक। अब ये सेल जो है अपना दरवाजा खोलता नहीं है, समझिए यहां पर एक गेट है वो खोलता नहीं है। पैनक्रियाज यहां देखता है कि भाई इंसुलिन को तो मैंने भेजा है, ये दरवाजा खोल नहीं रहा है, ये और इंसुलिन भेज देता है, तो और कुछ इंसुलिन इसने भेज दिया। अब ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए उसके दरवाजे के सामने सेल्स के, अब सेल्स ने दरवाजा खोल दिया, उसके बाद वो ग्लूकोज कैरी कर लिया। नाउ यहाँ पर बात इंटरेस्टिंग ये आती है कि सेल्स की ये आदतें जो हैं वो बन जाती है, वो कभी दरवाजा खोलता नहीं है, कभी उसको नॉक किया जाए तो वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करता। यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स ना करना इंसुलिन को, ये कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसे ही कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जब स्थिति होती है तो पैनक्रियाज जो है वो देखता है कि यार ये सेल्स जो है वो कभी मुझे हमेशा इतना इंसुलिन देना पड़ता है, वो दरवाजा खोलता नहीं है, वो ग्लूकोज कैरी कैसे करेगा, ये भी इंसुलिन बंद कर देता है, मुझे नहीं बनाना इंसुलिन, मुझे भेजना नहीं। अब जैसे ही इसने इंसुलिन बनाना बंद किया, सेल ने अपना दरवाजा बंद किया, आपका ग्लूकोज जो है वो तैरने लगा ब्लड में। अब इसी स्थिति को कहते हैं हम हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज। नाउ ये बहुत समझने इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है तो वो आपके ब्लड में पूरा कैरी कर रहा है। अरे यहीं से टाइप 2 की स्थिति आती है, और टाइप 2 की स्थिति जब होती है तब आपका शुगर स्पाइक करता है, और आपको समझने की जरूरत यही है कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और वो मैं चीजें बताऊंगा कि इसके कारण क्या हैं और लक्षण क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा
ग्लूकोज में, कि जब भी आपका सेल्स रिस्पॉन्स ना करे इंसुलिन के लिए तो समझ लीजिए कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। इस स्थिति में कुछ लोग जो हैं वो इंसुलिन एडिशनल लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं जी, जो कि कंफर्टेबली है। टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा होता है कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन ही नहीं बनाता है, तो वहां पर आपको एडिशनल इंसुलिन लेना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन बना रहा था पेनक्रियाज और उसके बाद वो बनाना बंद कर देता है, तो क्वेश्चन यहां आता है कि सेल ऐसा क्यों करता है, सेल ऐसा क्यों करता है, पेनक्रियाज ऐसा क्यों करता है कि मुझे इंसुलिन नहीं बनाना, ये मुझे दरवाजा नहीं खोलना, ये क्या है भाई, ये गुंडागर्दी चल रही है क्या? तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहला कारण जो होता है वो ये है, इनएक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी की होने की वजह से सेल्स का ऐसा रिस्पॉन्स इंसुलिन के लिए होता है कि वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे पेनक्रियाज भी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और ऐसा नहीं है कि आपके इंसुलिन जो है वो उसके बाद नहीं बनते हैं, इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स में इनएक्टिव रहते हैं, और जब हम उसके योग किया जाता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ आसन है वो मैं जब आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से आसन है जिसे आप करेंगे तो वो आपके इंसुलिन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात समझते हैं कि ये इनएक्टिविटी के बाद और दूसरा क्या कारण है, दूसरा है ओवरवेट। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज, समझिए कंटेंट में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायबिटीज और उन चीजों से हम कैसे निवारण पा सकते हैं। दूसरा हो गया ओवरवेट, आपका वेट ज्यादा होने की वजह से भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका पेनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में तैरते होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी यूरिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होता है। जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपकी यूरिन में ग्लूकोज शुगर की मात्रा कम है। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि आपका डायबिटीज जो है वो केवल डायबिटीज नहीं है, ये न्यूट्रिशनल वेस्ट डिसीज है। यूरिन के थ्रू आपका ग्लूकोज, आपका मैग्नीशियम, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, ये वेस्ट हो रहा है, ये पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि डायबिटीज केवल केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस या ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई होना ही नहीं है, इसके साथ ही साथ ये आपके न्यूट्रिशनल जो है शरीर में है वो भी बाहर निकल रहे हैं थ्रू यूरिन, बिकॉज आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज बना हुआ है। नाउ यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि और भी क्या रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है, आपका इंटायर हॉर्मोन जो है वो इनबैलेंस है स्ट्रेस की वजह से। मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों पर हम कैसे क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंसुलिन है वो काम करे, शरीर में आपका ग्लूकोज हाई ना हो, मैं सारे वो टिप्स दूंगा। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्यों टाइप 2 डायबिटीज में लोग स्ट्रगल करते हैं, और हमको ये भी समझना होगा कि योग आपको किस तरीके से आपका एक हेल्प कर सकता है कि आपके शरीर को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसे ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और ये लिंक कैसे है। देखिए मैंने बात की कि आपका डायबिटीज केवल डायबिटीज नहीं है, ये न्यूट्रिशनल वेस्ट डिसीज है, जिसमें आपके विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, मेजर इन न्यूट्रिशन, वो लूज होते हैं आपके शरीर से, आपके क्रोमियम, मैग्नीशियम सारे लूज हो रहे हैं। तो हमको समझने की कोशिश करना है कि डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज केवल और केवल एक ग्लूकोज का बढ़ना ही नहीं है, साथ ही साथ शरीर में वो कितने सारे न्यूट्रिशनल के साथ, कितने सारे अंगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, चाहे मैं किडनी की बात करूं, चाहे मैं लीवर की बात करूं, हार्ट की बात करूं, सबसे जुड़ा हुआ है। तो हम जब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की तो ये सारे फैक्टर आते हैं जिसमें आपका ओवरवेट, इनएक्टिविटी, आपके वेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक कारण है। अब इन चीजों को आप दूर कर सकते हैं मेडिकेशन के थ्रू, मैंने भाई दवाइयां ले ली, मेडिसिन के थ्रू लिया, अब ये आपका रुक गया, मेरा न्यूट्रिशनल वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा स्ट्रेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब आप कहेंगे भाई मैं तो मेडिसिन ले रहा हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, ठीक है आप बिल्कुल मेडिसिन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए, बट क्या ये इसका रूट कॉज या फिर इसका पूरी तरह से इलाज है? क्या जो हम कर रहे हैं मेडिसिन, क्या हम पूरे लाइफ भर लेते रहेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे?
क्यों नहीं हम इनएक्टिविटी को एक्टिविटी में कर दें, ओवरवेट को राइट वेट कर दें, जो हमारे न्यूट्रिशनल वेस्ट हो रहे हैं उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दें और स्ट्रेस पर मैनेज करना स्टार्ट कर दें थ्रू स्लीप एंड प्रॉपर राइट एक्टिविटी। अगर ये सब सारी चीजें हम करेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमको परेशान नहीं करेगी। ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज के कारण, जिसके कारण आपका टाइप 2 डायबिटीज जो है बॉडी पे ग्लूकोज का हमेशा बढ़ा होता है। मैं आप कुछ सुपर फूड के बारे में बात करूंगा जिसको अगर आप लेते हैं तो आपकी ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रहेंगे। सबसे पहले जो नंबर 1 फूड आता है वो है फाइबर, आपने लेने हैं फाइबर रिच फूड। नंबर 1 फाइबर का काम ये होता है कि जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, जब ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो डिले करता है, वो ग्लूकोज में इंस्टेंटली ही कन्वर्ट नहीं होता है, वो थोड़ा डिलेड होता है। तो अगर आप फाइबर की बात करें तो आप कॉम्प्लेक्स फाइबर ले सकते हैं, डिफरेंट मिलेट्स ले सकते हैं, फॉक्सटेल, वाइट राइस भी खा सकते हैं, लेकिन आपने अगर उसमें लेंटिल्स ऐड किया है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं होगा। तो ध्यान रखिए फाइबर रिच फूड, अच्छी क्वालिटी के फाइबर लीजिए। मेथी बहुत बढ़िया काम करता है, आपने एक सोक मेथी ओवरनाइट लेके मॉर्निंग में उस आपको पानी पीजिए, आपके जो शरीर में जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो उसको कम करेगा, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तीसरे नंबर पे आता है करी पत्ता, जिसको हम करी लीव्स भी बोलते हैं, ये आप खाना स्टार्ट करिए, चाहे चटनी के रूप में आप ऐड कर सकते हैं, खाने में ऐड कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप करी लीव जरूर स्टार्ट कीजिए। चौथा ऑप्शन आ जाता है आपके करेले का जूस, जामुन का जूस, अगर आपको अवेलेबल है जामुन का जूस वो भी आप ले लीजिए, जामुन का जूस। देखिए करेले का जूस, जामुन का जूस, ये भी पाया जाता है कि ये आपके ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है, कि ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है, कम रखता है। एलोवेरा, एलोवेरा इज अ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, आप घर में एलोवेरा उगाइए और एलोवेरा का जूस पीजिए, एलोवेरा भी ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। नाउ ये सारे पॉइंट हैं जिसमें हमें ऐड कर दिया, फाइबर रिच फूड हो गए, मेथी हो गए, करी लीव्स हो गए, करेले का जूस, जामुन का जूस, एलोवेरा, इन सब चीज़ों का आप सेवन करना स्टार्ट करिए और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक तो कंट्रोल होगा और उसके साथ ही साथ आपका टाइप 2 डायबिटीज़ आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से योग आसन है जिसको अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि वो आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में, फिजिकल एक्टिविटी को, हार्मोन को बैलेंस करने में आपका मददगार होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स में इंसुलिन इनएक्टिव होता है, इनफैक्ट बीटा सेल्स इटसेल्फ आर इनएक्टिव, जब हम मंडूका आसन करते हैं तो वो एक्टिव होता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपके शरीर पे ग्लूकोज हाई होता है। आप अपने खान पान पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपके डॉक्टर आपको कहें कि मेडिसिन कम करना है और उनको भी आप आश्चर्यचकित कर दें कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको मेडिसिन कम कर रहे हैं और आप रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, ना कि सामने की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि डॉक्टर्स की दुकान तो थोड़ी बंद हो जाएगी लेकिन आपकी जेब जो है वो काफ़ी बच जाएगी, आपका खर्चा बच जाएगा और आपको एक बहुत अच्छा हेल्थ मिलेगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो कौन से योग आसन हैं जिसको आप अगर करते हैं तो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए स्पेशली आपके वो टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपकी मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।